नमस्कार स्टूडेंट्स, हिंदी में हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें हमने फिर एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिए हैं। अब हम करेंगे दो तीन वाक्य में उत्तर। जो अभी हम गद्य विभाग का कर रहे हैं इसलिए अभी हम दो चैप्टर के लेंगे। आपके पास बुक में ये सब लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ और आपको बुक में से देख कर वापस से रिविज़न में ये क्वेश्चन आंसर सारे लिखने होंगे। बुढ़ी काकी कब रोती थी? तो उसका आंसर है जब लड़के उन्हें बहुत सताते थे, कोई चुटकी काटता था, कोई उन पर पानी की कुली करता था। कब रोती थी बुढ़ी काकी? तो जब उन्हें कोई सताता था तब, या तो जो लड़के थे वो मस्ती में कोई उसको चुटकी काटता था, कोई उन पर पानी की कुली करता था। अपने माता पिता की देखा देखी करके बच्चे भी उन्हें सताते थे। बच्चे उन्हें माता पिता को देखकर बच्चे भी बुढ़ी काकी को सताते थे तब वो रोती थी। या तो फिर भोजन न मिले, या तो कम मिले, और कोई वस्तु बाजार से आए और उन्हें न मिले तब। कब रोती थी? तो बच्चे उसको परेशान करते थे, या तो फिर उनको भूख लगी होती है और खाना नहीं मिलता है, या कम खाना मिलता है, या तो कोई चीज़ बाहर से आती है बाजार से और उसको खाने को ना मिले तो फिर वो तब बुढ़ी काकी रोती थी। स्टूडेंट्स, आपके पास टेक्स्ट बुक आ गई है तो ये दो तीन वाक्य में उत्तर जो उसमें सेकंड नंबर का उत्तर है उसका आंसर क्वेश्चन जो वन का है वही होता है, तो वो आप नोट डाउन कर लेना। बुढ़ी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? वो कल्पना करती थी और पूड़ियों के बारे में सोचती थी। बुढ़ी काकी की कल्पना में खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। बुढ़ी काकी पूड़ियों के बारे में सोच रही थी, अरे कितनी मस्त पूड़ी होगी, लाल लाल होगी, नरम नरम होगी, फूली फूली होगी, साथ में अजवाइन और इलायची की महक से भरी कचौड़ियाँ भी कल्पना में तैरने लगी। हाँ, खुशबू से उसकी जो महक आ रही थी खाने की, तो वो अपने मन में कल्पना करने लगी कि ऐसे अजवाइन और इलायची वाली कचौड़ियाँ भी होगी जो मैं पूरी के साथ खाऊंगी ऐसे। तो ये सब उसके दिमाग में बातें होने लगी। तो इस तरह से बुढ़ी काकी की पूड़ियों कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली में भोजन सजाकर बुढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? बुढ़ी काकी को भोजन खिलाते समय रूपा अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगने लगी। जब बुढ़ी काकी को झूठन खाते हुए रूपा ने देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, फिर वो पूरी थाली भोजन की भरकर बुढ़ी काकी के लिए लाती है। तब उस समय वो क्या करती है कि जब वो भोजन खिलाती है तो उसको याद आता है कि मैंने बुढ़ी काकी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। बुढ़ी काकी के प्रति अपने इस व्यवहार के लिए वो भगवान से भी माफ़ी मांगने लगी। अपनी गलती का काकी बुरा न माने ऐसे वो काकी से कहने लगी। काकी से भी माफ़ी मांगने लगी, भगवान से भी माफ़ी मांगती है और फिर काकी को बोलती है कि जो मैंने आपके साथ जो बुरा व्यवहार किया है वो मेरी गलती हो गई है, तो वो मुझे माफ़ कर दे। हाँ, इसलिए ऐसा वो बुढ़ी काकी के साथ बात बुढ़ी काकी के साथ ऐसी बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? हाँ, बुद्धिराम थे वो बुढ़ी काकी के भतीजे थे, तो उसकी पूरी संपत्ति कैसे हथिया ली थी? बुद्धिराम ने संपत्ति की लालच में आकर बड़े बड़े वादे किए थे। हाँ, वो काकी के पास बहुत पैसा था और उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी और उनके बेटों की भी मृत्यु हो गई थी, तो जो पैसा था वो अपने हाथ में आ जाए इसलिए बुद्धिराम ने पहले उनके साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। काकी के साथ अच्छी अच्छी बातें भी की थी। हाँ, झूठी प्रॉमिस की थी कि मैं आपको अच्छे से रखूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। फिर
परंतु आप उसने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब पैसे की जरूरत थी, संपत्ति की जरूरत थी, तो बड़े बड़े वादे किए, लेकिन फिर उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया और अपनी मीठी मीठी वाणी से पूरी संपत्ति हथिया ली। हाँ, अपने नाम कर दी पूरी संपत्ति मीठा मीठा बोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी काकी से किसका अनुराग ज्यादा था और क्यों? लगाव, अनुराग यानी लगाव, बूढ़ी काकी से किसको लगाव था और क्यों था? तो बूढ़ी काकी को अगर किसी से अनुराग था तो वो थी बुद्धिराम की बेटी लाडली से। अनुराग यानी लगाव, पहले भी मैंने बताया है, तो लाडली से उनको लगाव था। क्यों? क्योंकि वो अपने भाइयों के डर से मिठाइयाँ बूढ़ी काकी के पास ले आकर बाद में खाती थी। लाडली थी वो, उसको अपने दोनों भाइयों का डर लगता था कि कहीं उसके बाग की जो मिठाई है वो उससे छीन न ले, तो इसके लिए वो क्या करती थी, बूढ़ी काकी के पास आकर खाती थी। फिर क्या होता था, तब बूढ़ी काकी उसकी रक्षा करती थी। हाँ, और साथ में दोनों बैठते थे, इसीलिए बूढ़ी काकी को लाडली से ज़्यादा लगाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक क्यों कहते हैं कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है? लेखक के अनुसार बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। तृष्णा रोग यानी बहुत सारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, वो सब होता है। तो लेखक का कहना कि ये सब अंतिम समय होता है बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापे में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा नहीं रहती है। समस्त इंद्रिया यानी कि हाथ पैर जवाब दे चुके होते हैं, अन्यों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो रोती थी, जीवन समाप्ति की तरफ बढ़ता है, इसीलिए लेखक कहते हैं कि बुढ़ापा क्या होता है, बूढ़े व्यक्ति होते हैं उसको सिर्फ खाना खाना ही अच्छा लगता है, बाकी वो कम सुनते हैं, कम देखते हैं, अच्छी तरह से चल फिर भी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें परेशानी होती थी। हाँ, तो अपनी बात बताने के लिए यानी अपनी बात समझाने के लिए ऐसे लोगों को कभी रोना भी पड़ता था, तो इसी तरह इसलिए लेखक कहते हैं कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके साथ ही फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। फोर्थ चैप्टर है एक प्रश्न चार उत्तर, उसके दो तीन वाक्य में उत्तर है। हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? जैसे लेखक ने अपने मित्रों से क्वेश्चन पूछा था, तो उसके अनुलक्ष्य में ये क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है। तो हम अपने हिस्से में आने वाले प्रत्येक कार्य को निष्ठापूर्वक करेंगे। हाँ, अगर हमें जागृति लानी है तो क्या करना होगा? तो अपने हिस्से में जो भी काम आता है सबको हम निष्ठा यानी कि ईमानदारी पूर्वक करेंगे। व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाएगा और किसी भी कार्य क्षेत्र को संकुचित नहीं मानेंगे। हम सब एक संगठित होना यानी एक होना, और व्यक्तिगत जीवन को भी हम संगठित करेंगे, एक बनेंगे, और कोई भी कार्य क्षेत्र होगा उसको हम संकुचित नहीं मानेंगे यानी कि छोटा नहीं मानेंगे। तब देश में जागृति आ सकती है। जब ऐसा होगा तभी हमारे देश में जागृति आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अगर हमें संगठित होना है तो उसमें हमें समाज का होना भी जरूरी है, तो इस समाज को, मनुष्य रूपी समाज को हम संगठित करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपना व्यक्तिगत जीवन बदलना होगा। सबसे पहले हमें अपने जीवन से ही शुरुआत करनी होती है, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आएगा तो ही हम समाज को बदल सकेंगे। हर एक कार्य निष्ठापूर्वक करना होगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित होगा तो ही देश में जागृति आ जाएगी और समाज भी संगठित हो जाएगा। इसके लिए हम हर कार्य, अपने जो अपना जो कार्य है, हमारा खुद का कार्य है, हर कार्य निष्ठापूर्वक से करना पड़ेगा और अपने आप को उस कार्य के प्रति समर्पित करना पड़ेगा, तो ही देश में जागृति होगी और समाज भी संगठित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने मित्र को किस बात के लिए बाध्य करते हैं? तो बाध्य करना मतलब उसको मजबूर करना, किस बात के लिए? तो लेखक का प्रश्न है कि इतने महान पुरुषों के रहते हुए भी
हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करता है? तो यही प्रश्न वे अपने मित्रों से पूछते हैं। प्रश्न सुनकर मित्र भी आश्चर्य से उत्तर देते हैं, मतलब वो मित्रों से कहते हैं कि हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है, तो आपको कैसे भी करके इसका उत्तर देना है, इसलिए इसको बोलते हैं बाध्य करना। और फिर वो मित्र आश्चर्य से इन सब का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। नौकरी में स्थान मिलते ही हम क्या करने लग जाते हैं? हमें नौकरी चाहिए तो हम बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अगर नौकरी मिल जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? नौकरी में स्थान मिलते ही हम अपने उसी काम को खराब करने लग जाते हैं। पहले हम बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं निष्ठापूर्वक से मेरा काम करूँगा, लेकिन फिर क्या होता है, उसी काम को फिर हम बोलते हो मेरा पर्सनल थोड़ी है, भले न काम बिगड़े, तो हम ऐसे काम को बिगाड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जिसे पाने के लिए हम बेकरार रहते थे। पहले इस नौकरी को जॉब को पाने के लिए हम बेकरार थे, अभी उसी काम को हम खराब कर रहे हैं। अन्य साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं। अगर स्टाफ में और कोई लोग होते तो उसके साथ भी मिलकर बुरी बुरी बातें करके स्टाफ वालों के विरोध में षड्यंत्र रचते हैं। मालिकों को भी तंग करने लग जाते हैं। नौकरी मिल जाती है तो मालिक को भी हम कभी कभी परेशान कर, अर्थात किसी न किसी तरह अपने जीविका के साधन को ही हम खराब करने लग जाते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते हैं को हमारी जीविका है जिससे हमें पैसे मिलता है और उसे उसी पैसों से हम जीवन व्यवहार चलाते, ऐसा हम सोचते नहीं है, फिर इसीलिए ही हम उसी काम को खराब करने के लिए चल पड़ते हैं और फिर हम बाद में पछतावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति भेद किस बात पर निर्भर करता है? तो जाति भेद इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने काम पर स्वयं ही गर्व करें। हमारा खुद का काम है, हमें खुद ही गर्व करना है कि मैंने काम अच्छा किया है या तो मैं अच्छा काम करूँगा। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपनी जय जयकार नहीं चाहता। हमें दूसरों के साथ अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, हमें अपना एक, तो वैसे भी जातिवाद होता है तो एक जाति का आदमी है वो दूसरे जाति के आदमी द्वारा अपनी जय जयकार नहीं चाहता, ऐसे तो वह अपनी जाति वालों के बीच ही अपना स्थान पद और गरिमा चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे जाति के मेरे समाज के लोग हैं वही मेरी तारीफ करें, दूसरे लोग करेंगे उसे अच्छा तो लगेगा, लेकिन अगर खुद के जाति खुद का समाज नहीं करेगा तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन इधर पूर्ण होते हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन रिवीजन में लिखने हैं। अस्तु।